सभी दर्शकों को अयाज़ खान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम, सलाम। इस समय मैं जौनपुर में हूँ और अपनी फिल्म दिल लागल दुपट्टा वाली से पार्ट टू की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म बन रही है। और बारिश हो रही है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा जो इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा एक रूम में, एक कमरे के पैसेज में दे रहे हैं। कोशिश है कि एक अच्छी फिल्म बनाया जाए। पार्ट वन भी बहुत प्यारी और खूबसूरत बनी थी, और जिसको फारूक सिद्दीकी जी ने डायरेक्ट किया था, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुजीत वर्मा जी। काफ़ी यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और उम्मीद है मुझे कि जो है पार्ट वन से भी ऊपर ये फिल्म बनाने की कोशिश है, और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। तो पार्ट वन से पार्ट टू में कितना अलग है? पार्ट वन से पार्ट टू का देखिए, पार्ट वन बड़ी थी आज से 13 साल पहले, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, स्टोरी में काफ़ी चेंजेस आए हैं अपने समय के हिसाब से, और जो कैरेक्टर है मोस्टली वही है, जैसे अवधेश जी थे, मैं था, अपने जो है हीरो यश जी थे, हीरोइन बदली हुई हैं और एक दो कैरेक्टर बदले हुए हैं, नहीं बाकी सेम वही है, डायरेक्टर बदले हुए हैं और बाकी सब वही है, और स्टोरी वहीं से जहाँ से ये वाइंड अप हुआ था, कोशिश है कि वहीं से शुरुआत किया जाए, तो शुरुआत भी वैसी हुई है, और नो डाउट बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है। नेगेटिव है, अवधेश जी के बेटे का कैरेक्टर है, और उसमें भी मैं बेटा बना था अवधेश जी का, तो वही कह रहे भाई फर्स्ट को हम लोग सेकंड में कैरी कर रहे हैं, और प्रयास है कि अच्छी फिल्म बनाया जाए आप सभी दर्शकों के लिए। आपका और अवधेश जी का फेस भी मिलता है और बात बेटे लगती है पर्दे पे है। जी जी, दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे तो दर्शक हर रोल में पसंद करते हैं, और अवधेश जी का बेटा बनूँ, संजय जी का बेटा बनूँ, भाई बनूँ, तो मतलब लगता है कि यार इन लोग का मतलब एकदम बिल्कुल, चूंकि हम लोग का फेस, हम लोग की जो है एक्टिंग स्टाइल बिल्कुल मैच करती है, तो लगता है कि एक फैमिली के हैं, तो दर्शक इसलिए भी पसंद करते हैं। तो फिल्म के जो हीरो हैं सुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उनके लिए जो है मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो काम बड़े शिद्दत से करते हैं, उनकी यही प्रयास रहती है कि हर फिल्म में कुछ नया, कुछ अलग किया जाए, तो इंसान कोशिश करता है वही कर पाता है, फिर प्रयास भी करते हैं और उसको फॉलोअप करने की भी कोशिश करते हैं। नो डाउट बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मज़ा आता है साथ में काम करने का। शिविका जी के साथ मैंने जय हिंद फिल्म किया था, गेस्ट अपीयरेंस था शिविका जी का उस फिल्म में, उनके साथ एक गाना था, काफ़ी गाना पॉपुलर भी हुआ था, समुंदर सो के हमरे जवानी, तो ये गाना जो है पवन जी की फिल्म थी जय हिंद, तो शिविका जी से फर्स्ट मुलाकात वहीं हुआ था, और उसके बाद जो सेकेंड टाइम हम लोग इस फिल्म में मिल रहे हैं, तो नो डाउट खूबसूरत है, टैलेंटेड है और अच्छा कर रही हैं, और मेरी तरफ से ब्लेसिंग है कि और अच्छा करें। डायरेक्टर साहब सुजीत जी के साथ मेरी पहली फिल्म है, और सुजीत जी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो वही कहते हैं जो मेहनत करता है मेहनत ज़ाया नहीं जाता, तो सुजीत जी से हमारी पहचान काफ़ी पुरानी है, उन्होंने बोला था कि आज भाई साथ में आपके काम करना है, तो बहुत दिनों से चल रही थी कि करना है करना है, एक दो फिल्मों के लिए उन्होंने ऑफर भी दिया था, चूँकि उस समय डेट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था तो नहीं कर पाया था, उसका मुझे बहुत अफसोस था, और देखिए आज अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि इस फिल्म में हम लोग साथ काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। प्रोड्यूसर मुकेश गिरी जी और जौनपुर के ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या ऐसी एक सामान्य इंसान हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। सेट पे मैं कहता हूँ कि 7 बजे का शिफ्ट हो, 9 बजे का शिफ्ट हो, जो भी शिफ्ट हो, वो पूरा फुल टाइम से आते हैं, जितने बजे का शिफ्ट रहता है जब तक पैकअप नहीं होता सेट पे बने रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, तो बड़ी बात है। प्रोड्यूसर नहीं तो प्रोड्यूसर पैसा लगा के आता है, 1-2 घंटे के लिए चला जाता है, नॉन फिल्मी है इनका, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरे शिद्दत से लगे रहते हैं फुल टाइम, मतलब जब जब सिर्फ पैकअप होता है तब जाते हैं, तो बीइंग है एक मतलब टेक्नीशियन की तरह पूरा फुल टाइम जो देते हैं, और बहुत वुमन बीइंग है, एक क्लोजनेस हम लोग की बात होती है, और सेट पे सभी एक्टरों के साथ, सभी टेक्नीशियनों के साथ बड़े घुल मिल के रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो प्रोड्यूसर है। और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं? फिल्में तो बहुत सारी हैं, खेसारी जी के साथ डोली से जाकर कनारा, दिनेश जी के साथ आ रही है, अभी 2-2 फिल्में आ रही है, निरवा चरल बनल करोड़पति, निरवा चरल लंडन 2, और आई मिलन की रात, पवन जी की साथ भी फिल्में 1-2 आ रही हैं अपनी जो है, प्रमोद प्रेमी जी के साथ,
यश भाई के साथ इससे एक दो फिल्में भी बनके रेडी हैं, तो फिल्में तो अल्लाह का शुक्र से भी बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी बनके तैयार भी हैं। और जैसे ही बारिश का समय आ गया, बारिश में फिल्में थोड़ी कम रिलीज होती हैं, और कोरोना के बाद थोड़ा सिनेमाघर भी प्रॉपर भी ओपन नहीं हुए हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं ओपन हुए जिस तरह से फुल फ्लैश में ओपन होते थे। तो जैसे ही बारिश कम होगी और सिनेमा हॉल पूरी तरह से ओपन होगा तो आप लोग को फिल्में देखने का जरूर मौका मिलेगा। और अभी रिलीज़ भी हो रही है बहुत सारी, और टीवी पे तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अभी थोड़ा डिजिटल का दौर आ गया है, इसलिए दर्शक जो है सिनेमा हॉल के बजाय टीवी पे देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मज़ा सिनेमा हॉल में है वो डिजिटल में और वो मोबाइल में कहाँ है। थ्रू आउट हम लोग का भरसक प्रयास है, कोशिश है कि अभी अच्छी फिल्में बनाई जाए, कुछ चेंजेस लाया जाए, कुछ परिवर्तन लाया जाए, ताकि दर्शक जो टीवी में और मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं वो सिनेमा हॉल तक आए।